नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की और व्हेल्स के बारे में, कौन सी बड़ी ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट हो रही है, उसी के साथ मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिव अपडेट्स भी आ रही हैं जिसकी वजह से आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रेड कलर देखने को मिल रहा है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है की इथेरियम इन्वेस्टर लव टू ट्रेड शिबा इनू, शिब एज 113th बिगेस्ट इथेरियम व्हेल स्कूप्ड अप 272 बिलियन शिबा इनू वर्थ ऑफ $3 मिलियन इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटों के अंदर $3 मिलियन के शिबा इनू कॉइन को परचेज किया, जिसकी क्वांटिटी है 272 बिलियन टोकन। और कंटिन्यूसली वेल्स जो है वो शिबा इनू कॉइन को अपने पॉकेट के अंदर होल्ड करती हुई जा रही है। अगर हम दूसरी वेल्स की अगर हम बात करें जिसकी न्यूज़ यहाँ पे यूटुडे ने हाईलाइट की है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 477 बिलियन शिब अक्वायर्ड बाय वेल्स हैज व्हाट हैपेंड, यानी कि शिबा इनू कॉइन की एक बार फिर से एक मेजर क्वांटिटी 24 घंटों के अंदर होल्ड की गई है। और आपको पता होना चाहिए कि 477 बिलियन टोकन की प्राइस कितनी होती है, और कंटिन्यूसली वेल्स के द्वारा शिबा इनू कॉइन को परचेज किया जा रहा है। अब इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि शिबा इनू कॉइन की 1 अक्टूबर को गेम एंटिटी लाइव होने वाली है, हो सकता है कि वहां पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिले, शिबा इनू कॉइन अपवर्ड मूव ले सकता है और प्राइस के अंदर एक बार फिर से हमें जो है वो गेन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कॉइन मार्केट कैप के टॉप 7 प्रोजेक्ट्स की, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है, जिसको ज्यादा सर्च किया गया है, तो यहाँ पे बायबिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है शिबा इनू कॉइन को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो सर्च भी किया गया है, और कॉइन मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इस कॉइन को यहाँ पे जो है वो वॉचलिस्ट के ऊपर भी रखा हुआ है। उसी के साथ अगर हम बात करें मार्केट के बारे में, तो आज आपको ग्लोबल मार्केट कैप 5.9% से नीचे डिक्रीज देखने को मिला। बिटकॉइन की प्राइस $18,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, इथेरियम $1,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए के फेडी चेयरमैन ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बयान दिया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है एफईडी चेयरमैन जॉम पावल स्ट्रेस इज ए रियल नीड फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन, यानी कि जो क्रिप्टो है वो काफी ज्यादा रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा सिम्टम्स भी हैं। FOMC की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो यूएसए के अंदर क्रिप्टो ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे जो है वो एक्सपोज करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी है और वहाँ से जो है वो पैसा काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट भी होता है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है वो FED चेयरमैन जेरोम पावल ने यहाँ पे बयान दिया है, और यहाँ पे जो है वो नेगेटिविटी इस बयान के ऊपर भी देखने को मिली। उसी के साथ जापान क्रिप्टो रूल नाउ टारगेट मनी लॉन्ड्रिंग इशूज़, यानी कि क्रिप्टो के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू है वो जापान जो है वो फेस कर रहा है, और यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे जो है वो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, इसके ऊपर हम जो है वो क्रिप्टो को किस तरीके से जो है वो उसको ट्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रिप्टो को यहाँ पे रेगुलेशंस के ऊपर ले आने की बात की है। और यहाँ पे आपको एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो FED की मीटिंग है वो यहाँ पे होने वाली है नवंबर के अंदर, तो ये भी एक पैनिक माहौल है। यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें जो है वो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शिबा इनू कॉइन एक बार फिर से हमें रिकवरी दिखा सकता है, वेल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से राइस हो रही है, शिबा इनू कॉइन को बड़ी बड़ी वेल्स जो है वो परचेज कर रही है। अगर आपने टोकन को होल्ड नहीं किया है तो टोकन को होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर एंटिटी गेम की लॉन्चिंग के बाद शिबा ब्लॉकचेन की न्यूज़ हमें देखने को मिली, तो शिबा इनू कॉइन डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके शॉर्ट न्यूज़ काफ़ी हद तक पसंद होगी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ शिबा इनू कॉइन या फिर दीगर किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीदार, हरे कृष्णा।